आईपीएल 2024 यानी कि 17वें सीजन के ठीक बाद 1 जून से टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है। बता दें कि आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से हुई थी और फाइनल मुकाबला 26 मई को खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अभी भी टीम इंडिया अपने स्क्वाड में किस विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल करेगी, इस पर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप में धोनी की वो वापसी कराना चाहते हैं। दरअसल आईपीएल 2024 में टीम इंडिया के पूर्व कीपर बल्लेबाज एमएस धोनी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जिसके चलते सभी फैंस का मानना है कि धोनी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित से धोनी की वापसी को लेकर सवाल पूछा, तब रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के लिए एमएस धोनी को मनाना मुश्किल होगा। लेकिन रोहित के इस जवाब से मालूम होता है कि कप्तान भी चाहते हैं कि धोनी दोबारा टीम इंडिया में वापसी करें। दरअसल भारतीय टीम के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी आईपीएल 2024 में दो बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं, जिसके बाद धोनी के टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने के आसार बढ़ रहे हैं। बता दें कि 42 साल के धोनी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपना संन्यास वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि धोनी के शानदार फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट धोनी से आग्रह कर सकती है कि वो दोबारा टीम इंडिया के लिए खेलें और टीम को चैंपियन बनाएं। बात करें अगर आईपीएल 2024 में सीएसके की टीम की, तो धोनी इस सीजन टीम की कप्तानी नहीं कर रहे और उन्होंने कप्तानी युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड को सौंप दी है, जिसके चलते धोनी इस सीजन केवल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ही खेल रहे हैं। धोनी आईपीएल 2024 में अब तक 3 पारियों में बल्लेबाजी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 236 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए। धोनी ने दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में मात्र 16 गेंदों में ही 37 रनों की पारी खेली। वहीं एमआई के खिलाफ धोनी ने 4 गेंदों में 3 छक्के जड़े थे और नाबाद 20 रनों की तूफानी पारी खेली। ऐसे में अगर एमएस धोनी मान जाते हैं तो हो सकता है कि रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में एमएस धोनी के नाम पर विचार करें। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।